विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा रामनवमी पर्व पर पुराने राम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में अलग अलग झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र बनी रही, जिसमें शहर के प्रमुख चौक चौराहों में विशेष लाइटिंग्स व आतिशबाजी भी देखी गई और वीर हनुमान सभी के मन को मंत्रमुग्ध करते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा पुराने राम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शाम 6 बजे पुराने राम मंदिर से निकाली गई, जो बुक स्टॉल वाली गली होते हुए कालीपुतली चौक पहुंची, जहां पर भव्य आतिशबाजी के साथ ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा भी दिखाई दिया, जिसमें हनुमान जी सहित अनेक झांकियां प्रमुख रूप आकर्षण का केंद्र बनी रही। डीजे की धुन पर राम भक्तों के द्वारा नृत्य भी किए गए और हर कोई ढोल नगाड़ों की ताल पर थिरकते नजर आए। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई आज रामनवमी के इस जुलूस और शोभा यात्रा में मानो स्वतः ही अपने आप नृत्य कर रहा हो। हर कोई राम की भक्ति में झूमते हुए नजर आ रहा था। यह शोभा यात्रा कालीपुतली चौक से धीरे धीरे मेन मार्केट होते हुए राजघाट चौक पहुंची, राजघाट चौक से चक्र चौराहा और चक्र चौराहा से होते हुए हनुमान चौक, जहां पर रास्ते में विभिन्न श्रद्धालुओं के द्वारा इस शोभा यात्रा के लिए जगह जगह स्वल्पाहार और पेयजल की व्यवस्था अपने प्रतिष्ठानों के सामने की गई थी, तो कुछ लोग इस शोभा यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा से भी करते रहे। हनुमान चौक में भारी आतिशबाजी का नज़ारा भी देखने को मिला, जहाँ श्रद्धालुओं व दर्शकों का इतना समूह इस शोभा यात्रा को देखने के लिए उमड़ पड़ा कि किसी को भी जाने के लिए जहाँ जगह नहीं मिल पा रही थी, वहीं श्रद्धालुओं के द्वारा जय श्री राम के नारों के साथ ही पूरा शहर भी गूंज उठा।
चुनाव में मोदी जी के हाथ मजबूत करना है, और मोदी जी के हाथ मजबूत ही करना नहीं है, भारतवर्ष को मजबूत बनाना है, भारत की विश्व को